नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परनय प्रेम। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों। आज हम झारखंड विकास मोर्चा के धनबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं। कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय जी हमारे साथ हैं। यह बहुत ही जुझारू और कर्मठ हैं अपने क्षेत्र में। आइए इनसे जानते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा का धनबाद में और झारखंड में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और चुनाव की क्या तैयारी है। तो कैप्टन प्रदीप सहाय जी, आप बताइए कि झारखंड विकास मोर्चा की झारखंड में अभी क्या स्थिति है और धनबाद विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी चल रही है। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताऊँ, झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी जैसा जनादेश यात्रा में आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो भी जिस रूप में यह बनी है 2014 में, जैसे अपने हमारे ही 6 विधायकों का सपोर्ट लेकर उनको पद का और पैसे का लालच देकर, तो जनता कहीं ना कहीं जान रही है, समझ रही है कि ये लालच देकर ज़्यादा दिन तक आप अच्छी राजनीति नहीं कर सकते। और बाबूलाल जी के पास यही एक गुण है कि वो इन सब बातों से बहुत ऊपर है, इसीलिए लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और 19 वर्षों में आज हमें जहां होना चाहिए था हम वहां नहीं पहुंच पाए, उसको देखते हुए लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाए। और हमारी तैयारी तो खैर बहुत अच्छी है और सभी 81 सीटों पर हमारी तैयारी अच्छी है। अगर झारखंड में गठबंधन हुआ तो धनबाद सीट किसको जाएगी, क्या संभावना लग गई है? अब ये तो गठबंधन होने के बाद पार्टी हेडक्वार्टर डिसाइड करेगी, लेकिन धनबाद सीट ऐसे भी बहुत ही प्रबल दावेदार है झारखंड विकास मोर्चा, और तैयारी चूंकि सब पे बहुत अच्छी है। अब गठबंधन होता है तो जो भी सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगी उस पर है सबों का नज़र। धनबाद विधानसभा चुनाव से आपका भी नाम आ रहा है, ऐसी सूचना मिली है? हाँ, तैयारी है। नाम आने से क्या, तैयारी है हम लोगों की, सबकी अपने अपने जगहों पर क्षेत्रों में तैयारी है सबकी, और हम ही नहीं और भी लोग हैं यहाँ तैयारी में। और जैसा फिर पार्टी डिसाइड करेगी, कमेटी है, सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, किस रूप में लड़ेगा। संक्षिप्त में आप अपना परिचय दें। कैप्टन प्रदीप मोहन साहब मेरा नाम हुआ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, श्री मदन मोहन साहब, और हम लोग स्वतंत्रता सेनानी फैमिली से ही बैकग्राउंड है हमारी, उसी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, और धनबाद का ही मैं हूँ, यही हमारा कर्म क्षेत्र है। धन्यवाद केसीएन टीवी चैनल से बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ।